अगर आपके पास है 1000 रुपया और आप चाहते हो एक बेस्ट TWS एयरबड 1000 रुपए के अंदर, जिसके अंदर आपको फास्ट चार्जिंग का सपोर्ट मिले, जिसमें आपको अल्ट्रा लो लेटेंसी गेमिंग मोड देखने को मिले, जिसमें आपको 42 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिले, पंची बेस मिले, अच्छा खासा कोडेक मिले एंड नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी मिले, फिकर नॉट। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको इंडिया में मिलते हुए टॉप 3 ऐसे एयरबड्स के बारे में बताऊंगा जो कि 1000 रुपए के अंदर आपको इंडिया में देखने को मिल जाता है। तीनों के तीनों एयरबड्स ही बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, इन एयरबड्स के बारे में जानने से पहले कुछ बात बता दूं, चैनल में अगर आप पहली बार आए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज हमारे चैनल के अंदर ऐसे ही TWS एयरबड्स के वीडियोस ऑलरेडी आते रहते हैं। इससे पहले भी कुछ दिन पहले मैंने मीबी डुओपॉड F60 का अनबॉक्सिंग किया था कुछ ही दिन पहले। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, जाके देख सकते हो। अगर आप 1500 रुपए के अंदर बेस्ट TWS एयरबड चाहते हो, इसको भी आप देख सकते हो। बाकी चलते हैं, देखते हैं तीन वो कौन से एयरबड्स है जो कि 1000 रुपए के अंदर हमें देखने को मिलते हैं बेस्ट वैल्यू फॉर मनी के साथ। एट फर्स्ट बता दूं, एयरबड परचेस करने से पहले कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। यहाँ पे ब्लूटूथ 5.1 का सपोर्ट मिले ऐसे एयरबड्स को आपको चुनाव करना है। साथ ही साथ जो बैटरी बैकअप है, वहां पे आपको अच्छा बैटरी बैकअप मिले वैसा एयरबड्स आपको चुनाव करना है। साथ ही साथ उन एयरबड्स के अंदर आपको नॉइस कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी भी देखने को मिले ऐसे एयरबड्स को आपको भी चुनाव करना है। और अभी के दिनों में बहुत ही सारे एयरबड्स के जो केस आते हैं उनके अंदर माइक्रो यूएसबी पोर्ट देखने को मिलता है, उसको आपको स्किप करना है, ताकि 1000 रुपए के अंदर बहुत सारे ऐसे हैं जो कि आप लोग परचेस कर भी ले सकते हो। सो इस चीज में आपको ध्यान रखना है, टाइप सी पोर्ट के साथ आए ऐसा केस एयरबड के साथ आपको लेना है। नंबर 3 में मैंने जिस एयरबड्स को रखा वो है पीट्रॉन के तरफ से आने वाला पीट्रॉन बेस बड्स टैंगो ENC। ये जो एयरबड है ना, बहुत ही ज्यादा वैल्यू फॉर मनी एयरबड है, पीट्रॉन के तरफ से आता है। ऑब्वियसली इसके अंदर जो साउंड क्वालिटी है आपको अच्छा देखने को मिलेगा। इसके अंदर ब्लैक स्क्वायरिश टाइप का एक केस आपको देखने को मिलेगा जो कि पॉलीकार्बोनेट मैट फिनिश के साथ देखने को मिल जाता है। ऑब्वियसली ये जो केस है और एयरबड्स है, इसमें आपको IP4X का रेटिंग देखने को मिलेगा, जो कि हल्का फुल्का पानी में और स्वेट में भी आप यूज कर सकते हो। अगर वर्किंग के लिए या फिर जिम के लिए, रनिंग के लिए कोई ईयरबड ढूंढ रहे हो, इसको डेफिनेटली देख सकते हो। केस के ऊपर में आपको एक सिंगल LED इंडिकेटर लाइट देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे डेडिकेटेड मूवी म्यूजिक मोड आपको इसके एयरबड्स के अंदर आपको दिया गया है, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। 1000 रुपए के अंदर में भी आपको मोड चेंज करने का ऑप्शन यहाँ पे पीट्रॉन ने प्रोवाइड किया। एंड जैसे कि मैंने आपको बताया था, इसके अंदर आपको ब्लूटूथ 5.1 का यहाँ पे टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। ब्लूटूथ 5.1 लेटेस्ट वाला है और इसमें आपको लेटेंसी वगैरह बहुत ही कम देखने को मिलेगा। पीट्रॉन ने इसके अंदर प्रोवाइड किया है 13mm के डायनामिक ड्राइवर्स, जो कि आपको पंची बेस के साथ बहुत ही अच्छे वोकल्स निकाल के देंगे। अगर आप म्यूजिक प्ले करना चाहते हो ना, आप म्यूजिक लवर हो, डेफिनेटली इस वाले एयरबड्स को चूज कर सकते हो। इसके अंदर आपको वॉइस असिस्टेंट का सपोर्ट देखने को मिलेगा। सीरी एलेक्सा दोनों ही वॉइस असिस्टेंट यहाँ पे अवेलेबल है, सो दोनों से ही आप लोग वॉइस कमांड देके इस वाले TWS को यूज कर सकते हो। ये जो केस आपको देखने को मिल जाता है स्क्वायरिश टाइप में, इसके अंदर आपको 400mAh का एक बैटरी दिया गया है। टोटल प्लेबैक टाइम आपको अप टू 40 आवर्स तक देखने को मिल जाएगा। इसको चार्ज देने के लिए आपको टाइप सी पोर्ट के अंदर अपने फोन के जो केबल है उसको भी यूज करके चार्ज दे सकते हो। 1.5 आवर्स तक का इसका चार्जिंग टाइम है। आप चाहो तो छोटा एक केबल भी आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, उससे भी इसको चार्ज दे सकते हो अपने फोन के एडाप्टर को काम में लगा के। इसमें आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिलता है, तो अभी मोस्ट प्रोबेबली ज्यादातर स्मार्टफोन टाइप सी पोर्ट के साथ ही आता है जैसे कि पहले मैंने आपको बताया, सो आपको यहाँ पे चार्जिंग में कोई दिक्कत नहीं होगा। और हाँ, इसके अंदर आपको मल्टी टच कंट्रोल भी देखने को मिल जाता है। आप जब टाइम में प्ले करोगे सॉन्ग, इसमें प्ले पॉज ऐसे करके बहुत ही सारे मल्टी टच फंक्शनल कीज दिए गए हैं जो कि इनविजिबल है, आपको बस यहाँ पे टच टैप करना पड़ेगा, वो काम करना स्टार्ट कर देगा। इंडियन मार्केट में Amazon के अंदर इसका प्राइस 999 पे आपको देखने को मिल जाएगा। Amazon पे इसका जो दो कलर वेरिएंट अवेलेबल है उसमें से एक मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है जो कि ब्लैक में है और एक है व्हाइट कलर में। अगर आपको व्हाइट कलर पसंद है व्हाइट भी ले सकते हो, अगर आपको ब्लैक पसंद है ब्लैक भी ले सकते हो। दोनों ही कलर्स के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हो या फिर परचेज भी करना चाहते हो घर बैठे, आप नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हो। नंबर 2 में भी मैंने पीट्रॉन की तरफ से आने वाला एक ऐसा ईयरबड रखा है जो कि पीट्रॉन बेस बड्स जजे गेमिंग नाम से आता है। जजे जडे
जो भी आप चाहो इसको बोल सकते हो। अगर आप में से कोई गेम लवर हो तो डेफिनेटली इसके ऊपर आपका नजर सबसे पहले जाएगा। अगर आप इसके बॉक्स को देखो तो ये यार जो केस आता है ना, बहुत ही ज्यादा UFO टाइप का देखने को लगता है मेरे को, और बहुत ही ज्यादा अलग टाइप का गेमिंग लुक प्रोवाइड करता है। ये जो केस है ये आपको ग्रीन लाइट LEDs के साथ देखने को मिल जाएंगे। ऑल्सो जो ईयरबड्स है उनके ऊपर भी आपको ग्रीन LEDs देखने को मिल जाएंगे। मैट पॉलीकार्बोनेट गेमिंग फिनिश के साथ आपको देखने को मिल जाएगा। एंड यहाँ पे भी आपको ईयरबड्स और जो केस है इसके अंदर IP4X का वाटर रेजिस्टेंट टेक्नोलॉजी देखने को मिल जाता है। इसको भी आप लोग वर्कआउट या फिर जिम में या फिर कोई भी जगह पर दौड़ते हो, रनिंग वगैरह करते हो, इजीली ले जा सकते हो। हल्के फुल्के बारिश के छींटे में भी इसको कोई भी दिक्कत नहीं। इस वाले ईयरबड्स के अंदर आपको डेडिकेटेड गेमिंग और म्यूजिक बोन्ड दिया गया है। हालांकि 1000 रुपए के अंदर के ऐसे ईयरबड्स बहुत सारे मिलते हैं जिसमें कोई मोड हमें देखने को नहीं मिलते, बट इस वाले ईयरबड्स में पीट्रॉन ने प्रोवाइड किया है। अगर आप गेम लवर हो डेफिनेटली गेमिंग मोड को यूज करके एक बार चेकआउट कर सकते हो। वैसे इसका जो बेस है वो भी आपको बहुत ही अच्छा देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे भी आपको 13mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं। पंची बेस आपको म्यूजिक मोड के अंदर देखने को मिलेंगे, और आपको गेम मोड के अंदर जो वोकल्स है, जो गोली के साउंड वगैरह आते हैं, जो गोली मारते हो गेम खेलते वक्त, वो भी बहुत ही अच्छी तरीके से फील होगा। इसके अंदर आपको लो लेटेंसी देखने को मिल जाता है, जो कि कंपनी क्लेम करता है अल्ट्रा लो लेटेंसी नाम से। एंड यहाँ पे एर्गोनॉमिक टच कंट्रोल्स भी आपको दिया गया है, जिसको आप टच करके यूज कर सकते हो। मल्टीफंक्शनल कीज है, आपको टच करके यूज करना पड़ेगा, कॉल रिसीव, कॉल रिजेक्ट या फिर प्ले पॉज, बहुत ही सारे ऑप्शंस आपको टच कंट्रोल में मिलते हैं। इसके जो ईयरबड्स है उनके अंदर आपको डेडिकेटेड 40mAh के बैटरी देखने को मिल जाते हैं, और जो यहाँ पे केस मिलता है उसमें आपको 400mAh का बैटरी देखने को मिल जाता है। दोनों को कुल मिला के यहाँ पे आपको अप टू 40 आवर्स तक का बैकअप देखने को मिलेगा। इसके अंदर भी आपको टाइप सी पोर्ट देखने को मिल जाता है चार्जिंग करने के लिए, एंड साथ ही साथ इसको भी आप 1.5 आवर्स तक चार्ज कर सकते हो। इसका चार्जिंग टाइम है 1.5 आवर्स तक। अगर आप प्राइस के बारे में बात करो तो ये आपको Amazon पर 1000 रुपया तक देखने को मिल जाता है। कभी कभार इसका प्राइस फ्लैक्चुएट भी होता है, कभी कभार 1200 रुपया 1100 रुपया भी मिलता है। सो आप चाहो तो इसको इजिली ग्रैब कर सकते हो। इसका कलर आपको एक ही कलर मिलेगा, ब्लैक कलर में। और अगर इसके बारे में ज्यादा कुछ जानना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चेक कर सकते हो। नंबर एक में मैंने जिस ईयरबड्स को रखा है वो ऑब्वियसली बोट की तरफ से आता है, बोट एयरडोप्स 141। ये जो एयरडोप्स है ना, ये बोट की तरफ से आर्गोनोमिकली डिजाइन किया गया है एयर के हिसाब से। और इसको एक नंबर पर मैंने क्यों रखा, चलिए जान लेते हैं। इसके साथ आपको एक ब्लैक केस देखने को मिल जाएगा, जो कि अगेन स्क्वेरिश टाइप का देखने को लगता है। इस केस का जो क्वालिटी है मेरे को अच्छा लगा। यहाँ पे मैटी भी टेक्सचर नहीं है या फिर ग्लॉसी भी टेक्सचर नहीं है, आपको कुछ हल्का सा यहाँ पे मैट ग्लॉसी फिनिशिंग मिक्सअप देखने को मिल जाएगा। ऊपर में आपको बोट का लोगो देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 4 LED इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जो कि मेरे को बहुत अच्छा लगा प्राइस के हिसाब से। बैटरी इंडिकेटर्स है, जो कि आपको यहाँ पे इंडिकेट करते रहेंगे बैटरी के हिसाब से। इसके अंदर भी आपको एयरबड और जो केस है दोनों में ही IP4X रेटिंग देखने को मिल जाता है। सो हल्का फुल्का पानी में बताओ या फिर आप कोई जिम में जाते हो, वर्कआउट करते हो या फिर आप रनिंग करते हो, आपको कोई भी शिकायत नहीं होगा। इसके अंदर भी आपको ब्लूटूथ 5.1 का टेक्नोलॉजी देखने को मिलेगा। इसके अंदर आपको 8mm के डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छी चीज है। साथ ही साथ ENC का टेक्नोलॉजी भी देखने को मिल जाता है। ENC मींस एनवायरमेंटल नॉइज कैंसिलेशन। यहाँ पे आपको नॉइज कैंसिलेशन टेक्नोलॉजी बोट की तरफ से देखने को मिलता है। 8mm के जो डायनेमिक ड्राइवर्स दिए गए हैं, बोट के जो ऑडिटोरी है उसके साथ कंपेयर करके बहुत ही अच्छे और पंची बेस ये निकाल के आपको देगा। बोट का साउंड क्वालिटी, बेस क्वालिटी कैसा है आपको ऑब्वियसली मेरे से ज्यादा ही पता होगा। HDW इसको लेने का और एक खास रीजन है, इसमें आपको ASAP फास्ट चार्जिंग देखने को मिल जाता है। अगर आप इस वाले TWS ईयरबड्स को 5 मिनट में चार्ज करते हो, 75 मिनट तक का ये प्लेबैक टाइम आपको निकाल के देगा। फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, जो कि मेरे को सबसे ज्यादा अच्छा लगा। इसी रीजन से मैंने इसको एक नंबर पे रखा, जो कि अदर्स दो TWS में आपको देखने को नहीं मिलता है। इसमें आपको 42 आवर्स तक का प्लेबैक टाइम देखने को मिल जाएगा, फास्ट कनेक्ट टेक्नोलॉजी मिल जाएगा। बहुत ही सारे TWS एयरबड्स ऐसे है जो कि चीप रेट में मिलते हैं, बट अगर आप उनको कनेक्ट करने जाते हो बहुत ही ज्यादा टाइम ले लेता है उसमें कनेक्ट होने में। इसके अंदर बोट के ऑडिटोरी टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है। बोट का जो टेक्नोलॉजी है साउंड रिप्रोडक्शन में, आपको पता ही होगा बोट का क्वालिटी पंची बेस निकल के देता है। एंड बोट के जो एयरफोन्स है उनके रिव्यू बहुत ही ज्यादा अच्छे हैं, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को पता है। साथ ही साथ अगर प्राइस के बारे में बात की जाए तो इंडियन मार्केट में इसका प्राइस 1200 रुपया है। अगर 1000 रुपया आपके पास है, 200 रुपया ज्यादा देके मैं रिकमेंड करूंगा इसके ऊपर ही आप जाओ, बिकॉज जो क्वालिटी है साउंड का वो आपको खुद ही पता चलेगा। इसके अंदर भी आपको मल्टी टच कंट्रोल्स देखने को मिल जाते हैं। ENC टेक्नोलॉजी है। ओवरऑल अगर देखा जाए एक बेस्ट एयरबड
तीनों में तीनों ही है, आप तीनों में से किसी को भी परचेज कर सकते हो, कोई भी शिकायत नहीं है। सो अगर आपको बोट चाहिए, आप बोट लवर हो, बोट ले सकते हो, या फिर आप बाकी के जो पीट्रॉन के आते हैं गेमिंग सीरीज में और एक नॉर्मल सीरीज में, जो कि दोनों ही आपको 1000 रुपया में देखने को मिलता है, उसमें भी जा सकते हो। अब आपका मर्जी, आप 200 रुपया ज्यादा देके बोट में जाओगे या फिर पीट्रॉन गेमिंग में रहोगे या फिर नॉर्मल पीट्रॉन वाला आप लोगे। सो आप एक बेसिक यूजर्स के हिसाब से खुद जज कर लेना। और हाँ, इससे पहले मैंने मीवी डुओपॉड F60 का अनबॉक्सिंग किया था। अगर आपने इस वाले एयरबड का अनबॉक्सिंग वीडियो अभी तक नहीं देखा, जाके आप लोग देख सकते हो, बहुत ही तगड़ा एयरबड है। इसका जो प्राइस है, इंडियन रिटेल प्राइस है 1500 रुपया, कंपनी के तरफ से मुझे भेजा गया, मैंने रिव्यू किया था। सो इसका वीडियो अगर आप देखना चाहते हो जाके देख सकते हो, बहुत ही तगड़े लेवल के साउंड इसके में से भी निकल गया। और हाँ, जो तीनों एयरबड्स बताया, तीनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, घर बैठे ऑनलाइन आप इनको परचेस कर सकते हो अमेजोन से बहुत ईजी तरीके से। आज के वीडियो में कोई भी आपको शिकायत हो आप नीचे कमेंट करके बता सकते हो। अदरवाइज इस वीडियो को मैं करता हूँ यहाँ पे खत्म। मैं मिलता हूँ आपके साथ किसी तरह के लेटेस्ट वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक के लिए की स्माइलिंग, ऑलवेज स्टे कनेक्टेड।